नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। CAA बिल 2019 में पास हो गया, कानून बन गया। 2019 में CAA के खिलाफ लंबा आंदोलन हुआ, लेकिन फिर कोरोना आ गया। इसके बाद CAA ठंडे बस्ते में चला गया। 2024 के चुनाव से पहले CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तो विपक्ष कई तरह के सवाल उठाने लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर एक एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया है। एक लंबे इंटरव्यू में अमित शाह ने विपक्ष के सभी आरोपों की धज्जियां उड़ा दी हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि विपक्ष कौन कौन से सवाल उठा रहा था और अमित शाह ने उस पर क्या जवाब दिया है। विपक्ष का पहला सवाल, CAA चुनाव के वक्त ही क्यों लागू किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी टाइमिंग पर अपना रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कर रहा है। सुनिए अमित शाह ने विपक्ष को किस तरह से धो दिया। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मालिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनंती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता तो... जी मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल्स से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष डरा रहा है कि CAA के बाद मुस्लिमों की नागरिकता पर संकट खड़ा हो जाएगा। अमित शाह ने इसको लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों को नकार दिया है। देखिए, वो प्रताड़ना आंकड़ों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है। आप मेरी बात समझ कर चलिए। और सिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर। ना, रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी, भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा? हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी। अच्छा, आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की
ऑडिट के लिए बुलाएगी और वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा या फिर या फेस टू फेस होगा फेस टू फेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। और अगर वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते, इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बट गया, वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उस उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। परंतु बाद में इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चालू हुई, वोट बैंक की राजनीति चालू हुई, एपीसमेंट के कारण वो वादा कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे सीए लागू होने से 1947 जैसा शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। पहले सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा और उसके बाद अमित शाह ने उसका क्या जवाब दिया। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि तीन देश बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे।
50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अपने राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगी। क्या संघीय ढांचे में ऐसा संभव है? सुनिए ममता बनर्जी का बयान और गृह मंत्री अमित शाह का उस पर जवाब। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, एक कुछ कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिलेगा। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं, बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। वो दिन दूर नहीं है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम इसको कड़ाई से रोकेंगे। इसीलिए तो आपको चाणक्य कहते हैं पॉलिटिक्स। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे, इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करेंगे, तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए, दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि विरोध के चलते सीए वापस हो जाएगा, अमित शाह ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो, भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना, मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए, जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे, आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया, कहां जाएंगे लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी है, बलोच भी है। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था, मैं 51 की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए, कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास, लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए।
क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? सीए लागू होने के बाद पहले इंटरव्यू में अमित शाह ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने साफ कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।